हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर कुमार, अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल आरकेआर ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल कलर स्टिकर स्क्रीन से प्रिंट कैसे करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन से कुछ भी प्रिंट करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर मैटर बनाना पड़ता है। बहुत से ऐसे दोस्त है जो स्क्रीन पर सही से मैटर नहीं बना पाते। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे स्क्रीन पर मैटर कैसे बनाते हैं। पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा स्क्रीन पर मैटर कैसे बनाते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और भी इस तरह का नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टिकर का मीटर प्रिंट करेंगे बटर पेपर पे लेजर प्रिंटर से। देखिए, इस तरह से बिल्कुल ब्लैक कलर में प्रिंट करेंगे। दोस्तों, मुझे एप्पल का स्टिकर प्रिंट करना है डबल कलर में। देखिए, मैं एक साथ में चार स्टिकर का मीटर निकाला हूँ बटर पेपर पे। दोस्तों, ये स्टिकर शीट है, एक साथ में दो स्टिकर प्रिंट होगा इस शीट पे। डबल कलर में प्रिंट करना है स्टिकर, इसलिए मैं डबल मीटर निकाला हूँ बटर पेपर पे। दोस्तों, छोटे साइज का स्टिकर है, इसलिए मैं एक ही बटर पेपर पे डबल प्रिंट निकाला हूँ। अगर बड़े साइज का मीटर होगा तो दो बटर पेपर पे सेम मीटर को निकालेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर मीटर मैं 5-स्टार फिल्म से बनाता हूँ। ये देखिए, रेड कलर का 5-स्टार फिल्म है, इससे बिल्कुल आसानी से स्क्रीन पर मीटर बनता है। दोस्तों, आप भी 5-स्टार फिल्म से कोई भी मीटर स्क्रीन पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसे मीटर बनाने के बाद हेवी से हेवी क्वालिटी में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन से। दोस्तों, सबसे पहले 5-स्टार फिल्म से स्क्रीन पर मीटर बना लेते हैं। मीटर से बड़े साइज में 5-स्टार फिल्म को पहले काट लेंगे। उसके बाद मीटर को एक्सपोज करेंगे धूप से। ये देखिए दोस्तों, एक्सपोजर है, इसके अंदर मीटर एक्सपोज करते हैं धूप से। एक्सपोजर को खोल कर दिखाता हूँ। इस तरह का एक्सपोजर आप लकड़ी मिस्त्री से बनवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक्सपोजर में 4mm का ग्लास लगाए हैं एक्सपोज करने के लिए धूप से। इस तरह का एक्सपोजर आप लकड़ी मिस्त्री से पहले बनवा लीजिएगा। उसके बाद एक्सपोजर में बटर पेपर पे जो प्रिंट निकाले हैं उस प्रिंट को रखेंगे इस शीशे के ऊपर। 5-स्टार फिल्म को काट रखे हैं मीटर के बराबर में। इस फिल्म को रखेंगे मीटर के ऊपर। इस फिल्म को देखेंगे दूसरे साइड में प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक वाले साइड मीटर के ऊपर रखेंगे। उसके बाद एक्सपोजर को बंद करेंगे। दोस्तों, एक्सपोजर में जितना गैप है उतना पेपर रखेंगे, उसके बाद ही दाब पड़ेगा अच्छा से मीटर के ऊपर। इस तरह से जितना गैप है उतना पेपर रख देंगे और उसके ऊपर से प्लाई रखेंगे। उसके बाद एक्सपोजर को बंद कर देंगे प्लाई रख के। एक्सपोजर बंद करने के बाद फिल्म को देख लेंगे, मीटर के बीचों बीच होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद अब रखेंगे धूप में एक्सपोज होने के लिए। दोस्तों, जिधर साइड से धूप है उधर साइड एक्सपोजर को रखेंगे इस तरह से। धूप फिल्म के ऊपर लगना चाहिए तभी एक्सपोज हो पाएगा सही से। दोस्तों, अभी धूप बहुत तेज है, टाइमिंग देंगे 2 मिनट का। 2 मिनट तक रखेंगे इसे धूप में एक्सपोज होने के लिए। दोस्तों, कम धूप में 5 से 6 मिनट रखते हैं फिल्म एक्सपोज होने के लिए। अभी तेज धूप है, मैं इसे रखूंगा 2 मिनट। 2 मिनट धूप में बिल्कुल अच्छा से एक्सपोज हो जाएगा यह मैटर। वीडियो को करता हूँ थोड़ा स्किप। दोस्तों, फिल्म को 2 मिनट धूप में एक्सपोज होने के बाद रखेंगे हाइड्रोजन में। दोस्तों, ये देखिए हाइड्रोजन का बोतल है 400 ml का। 400 ml हाइड्रोजन का प्राइस है 74 रुपये। ये मेडिकल शॉप में मिलेगा। जितना हाइड्रोजन उतना पानी मिलाएंगे इस बोतल में। पानी कम ज़्यादा भी हो जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हाइड्रोजन उतना पानी मिला लेंगे पहले। हाइड्रोजन में पानी मिलाने के बाद रखेंगे एक परात में। उसके बाद एक्सपोजर से फिल्म को निकालेंगे जो धूप में एक्सपोज करके लाए हैं 2 मिनट। फिल्म को निकालेंगे एक्सपोजर से और इस फिल्म को रखेंगे हाइड्रोजन के बीच। देखिए, प्लास्टिक वाला साइड है, इसे रखेंगे परात में नीचे साइड और बिना प्लास्टिक वाले साइड ऊपर रखेंगे। उसके बाद फिर से और इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे फिल्म के ऊपर से। 5 मिनट तक इसे रहने देंगे हाइड्रोजन के बीच, तब तक पानी गर्म होने के लिए लगा देंगे। दोस्तों, मैं पानी गर्म को होने के लिए लगा देता हूँ। जब तक पानी गर्म होगा तब तक फिल्म को हाइड्रोजन के बीच ही रहने देंगे। पानी गर्म होने के बाद फिर से परात से हाइड्रोजन को उसी बोतल में रख देंगे। अगले मीटर बनाने में काम आएगा यह हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन जल्दी ख़राब नहीं होता है। दोस्तों, पानी को नॉर्मल ही गर्म रखेंगे। गर्म पानी को डालेंगे फिल्म के ऊपर इस तरह से। उसके बाद ही स्टिकर का मीटर खुलेगा इस फिल्म के ऊपर। इस तरह से 3-4 बार गर्म पानी को डालेंगे फिल्म के ऊपर, मीटर बिल्कुल क्लियर खुल जाएगा फिल्म के ऊपर। ये देखिए, 2 बार में ही मीटर खुल गया है। इस पानी को फेंक देंगे।
और फिल्म को उठाकर देख लेंगे मैटर क्लियर खुला है कि नहीं। अगर मैटर कहीं फंसा होगा फिर से गर्म पानी डालेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगा मैटर। देखिए वाइट कलर में दिखने लगेगा इस तरह से। जब क्लियर मैटर खुल जाएगा उसके बाद ठंडा पानी डालेंगे परात में फिल्म के ऊपर। ठंडा पानी से फिल्म को भिगो कर देख लेंगे मैटर सही से खुला है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर मैटर खुल गया है, वाइट कलर का जो दिख रहा है बिल्कुल क्लियर मैटर खुला है। इस तरह से 5-स्टार फिल्म से आप भी मैटर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर मैटर बनेगा। अब इस फिल्म को फ्रेम पर चिपकाएंगे। ये देखिए स्क्रीन फ्रेम है, इस फ्रेम पर फिल्म को चिपकाएंगे। जितने में मैटर चिपकाना है उतना पानी से पहले गीला कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिल्म को चिपकाएंगे फ्रेम पे, सीधे चिपकाएंगे प्लास्टिक वाले साइड ऊपर रखेंगे, बिना प्लास्टिक वाले साइड के तरफ से चिपकाएंगे फ्रेम पे इस तरह से। जिधर से चिपकाएंगे देखेंगे इधर से उल्टा दिखेगा, जिधर साइड से प्रिंट करेंगे उधर साइड से देखेंगे मीटर सीधा दिखेगा। फिल्म को फ्रेम पर चिपकाने बाद टेबल या काउंटर पर रख के पेस्टिंग करेंगे। टेबल या काउंटर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नीचे रखेंगे पहले पेपर, उसके बाद जिधर साइड से फिल्म लगाए हैं उस साइड को नीचे रखेंगे। दोनों हाथ से दबाकर अच्छी तरह से पेस्टिंग करेंगे। फ्रेम के ऊपर जो पानी है उसको बिल्कुल सुखा देंगे, उसके बाद ही फिल्म सही से चिपक पाएगा फ्रेम के साथ। इस तरह से पेपर को ऊपर नीचे रखकर पेस्टिंग करेंगे दोनों हाथ से दबाकर अच्छी तरह से। सारे पानी को पहले सुखा देंगे पेस्टिंग करके। दोस्तों इस तरह से पेपर ऊपर नीचे रखकर पेस्टिंग करके पानी को बिल्कुल सुखा देंगे फ्रेम से, उसके बाद ही सही से चिपक पाएगा फिल्म फ्रेम के साथ। अब इसे रखेंगे धूप में सूखने के लिए। देखिए दोस्तों धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक है वो साइड से छोड़ देगा, यहाँ से प्लास्टिक को निकाल देंगे सूखने के बाद। 10-15 मिनट तक इसे सूखने देंगे धूप में। दोस्तों जब सूख जाएगा इस तरह से प्लास्टिक छोड़ देगा साइड से, उंगली से पकड़ के प्लास्टिक को निकाल देंगे। प्लास्टिक निकालने के बाद कोटिंग करके एप्पल को बंद करेंगे। एप्पल प्रिंट करना है रेड से, राउंड टेक्स्ट करना है ग्रीन से, तो पहले कोटिंग करके एप्पल को बंद करेंगे, दूसरे में राउंड वाले टेक्स्ट को बंद करेंगे कोटिंग करके सोना कोट या सुपर कोट से। एक सुई लेंगे और सोना कोट से पहले एप्पल को बंद कर देंगे। एप्पल रेड कलर से प्रिंट करना है, राउंड को ग्रीन कलर से प्रिंट करना है, तो पहले एप्पल को बंद कर देंगे सोना कोट या सुपर कोट से। देखिए दोस्तों इस तरह से कोटिंग करके बंद कर देंगे दूसरे कलर से प्रिंट होने वाले मीटर को। दूसरे फिल्म में फर्स्ट वाले मीटर को कोटिंग करके बंद करेंगे। ये जो व्हाइट में दिख रहा है वही प्रिंट होगा, जो कोटिंग करके बंद कर देंगे वो प्रिंट नहीं होगा। फर्स्ट वाले में एप्पल को कोटिंग करके बंद किए हैं, दूसरे वाले में राउंड मीटर को कोटिंग करके बंद कर देंगे। दोस्तों ये मीटर अब बिल्कुल तैयार है प्रिंट करने के लिए। जो व्हाइट में दिख रहा है वही प्रिंट होगा, जो सोना कोट से बंद कर दिए हैं वो प्रिंट नहीं होगा। अब इस फ्रेम को रखेंगे धूप में कोट सूखने के लिए। सोना कोट से जो मीटर बंद किए हैं सोना कोट को पहले अच्छी तरह से सूखने देंगे, उसके बाद ही प्रिंट करेंगे। दोस्तों सोना कोट सूखने के बाद फ्रेम को सेट करेंगे टेबल में सिकंजे से। उसके बाद स्टिकर शीट को शीशे पर रखकर पिन सेट करेंगे। देखिए शीशे पे पिन बनाए हुए हैं, यहाँ स्टिकर शीट रखकर पहले पिन सेट करेंगे बिल्कुल सीधा। शीशे को इधर उधर खिसकाकर स्टिकर के बीचों बीच मीटर को सेट करेंगे बिल्कुल सीधा, जो मीटर को प्रिंट करना है इस तरह से बिल्कुल सीधा पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद पेपर रखेंगे फ्रेम पे और चारों तरफ से टेप से पहले पैक कर देंगे। देखिए इस तरह से मीटर के साइड साइड से टेप लगाकर चारों तरफ से अच्छी तरह से पहले पैक कर देंगे। अब ये प्रिंट होने के लिए रेडी है। दोस्तों ये देखिए सनटेक्स कंपनी का पीवीसी रेड कलर का इंक है, एप्पल को प्रिंट करेंगे रेड से। और ये देखिए पीवीसी ग्रीन इंक है, इसे प्रिंट करेंगे राउंड मीटर को। दोस्तों ये देखिए नाइट्रोजन है, इंक में डालकर इंक को पतला करेंगे। जब इंक नया खरीदते हैं तो गाढ़ा होता है, उसमें पहले नाइट्रोजन डालकर थोड़ा पतला कर लेंगे इंक को। देखिए इतना पतला करेंगे, उसके बाद ही सही से प्रिंट होगा और जल्दी सूखेगा प्रिंट। इंक को नाइट्रोजन से पतला करने के बाद इंक रखेंगे फ्रेम पे। देखिए पीवीसी ग्रीन इंक है। मीटर से बड़े साइज में एक स्टाइपर लेंगे, स्टाइपर से इंक को दबाकर खींचेंगे तो प्रिंट हो जाएगा स्टिकर के ऊपर इस तरह से। स्टाइपर से इंक को दबाकर खींचेंगे, अब ये प्रिंट हो गया है। देखिए दोस्तों ग्रीन कलर से प्रिंट हो गया स्टिकर, बिल्कुल क्लियर प्रिंट हुआ है 5-स्टार फिल्म से मीटर बनाने के बाद। आप भी 5-स्टार फिल्म से स्क्रीन पर मीटर बनाएंगे
तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर प्रिंट होगा कुछ भी। अब मैं कुछ स्टिकर ग्रीन से प्रिंट कर लेता हूँ, उसके बाद रेड से प्रिंट करेंगे एप्पल को। देखिए दोस्तों, इस तरह से पहले सिंगल कलर से प्रिंट करके स्टिकर को सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रिंट सूख जाएगा उसके बाद दूसरे कलर से प्रिंट करेंगे। दोस्तों, स्टिकर फर्स्ट कलर से प्रिंट किया हुआ जब सूख जाएगा उसके बाद दूसरा मीटर सेट करेंगे दूसरे कलर से प्रिंट करने के लिए। अब एप्पल प्रिंट करना है, फिर से उसी शीशे के ऊपर प्रिंटेड स्टिकर को रखेंगे और शीशा को इधर उधर खिसका कर बीचों बीच सेट करेंगे एप्पल को। स्टिकर के बिल्कुल बीचों बीच सेट करेंगे। उसके बाद इस मीटर को भी चारों तरफ से टेप से पहले पैक कर देंगे इस तरह से। अब इसमें रखेंगे पीवीसी रेडिंग। रेडिंग रखने के बाद फिर से उसी स्टाइपर से दबा कर खींचेंगे तो रेड कलर से प्रिंट होगा। देखिए दोस्तों, रेड कलर से प्रिंट हो गया एप्पल। इस तरह से आप भी स्क्रीन पर मीटर बनाकर बिल्कुल आसानी से दो कलर में स्टिकर या कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रिंट टेढ़ा होगा तो शीशा को इधर उधर खिसका कर आप सीधा कर सकते हैं प्रिंट को। अब मैं सारे स्टिकर को पहले प्रिंट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा प्रिंट होता है स्क्रीन से स्टिकर। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा डबल कलर में स्टिकर प्रिंट हुआ है स्क्रीन से। दोस्तों, आप भी बिल्कुल आसानी से 5-स्टार फिल्म से स्क्रीन पर मीटर बनाकर डबल कलर में कोई भी स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। स्टिकर को अभी लाइन में लगाए हैं सूखने के लिए। जब स्टिकर सूख जाएगा उसके बाद कटर से कटिंग करके अलग करेंगे दोनों स्टिकर को। देखिए दोस्तों, इस तरह से कटिंग करते हैं स्टिकर को। स्टिकर रखेंगे शीशे के ऊपर, उसके बाद स्केल लेंगे और एक कटर लेंगे और इसे धीरे से दबाकर खींचेंगे, बीच से कट जाएगा। ये देखिए, बीच से कट गया। इस तरह से कटिंग कर देंगे, स्टिकर निकालने में आसान होता है। अब इस स्टिकर को दीवार पर चिपका कर आपको दिखाता हूँ। देखिए, कटिंग करने के बाद बिल्कुल आसानी से निकल जाता है स्टिकर। उसके बाद आप कहीं भी इसे चिपका सकते हैं। देखिए दोस्तों, दीवार पर स्टिकर को चिपका दिए। इस तरह से डबल कलर में स्टिकर प्रिंट करते हैं स्क्रीन से। दोस्तों, आप भी बिल्कुल आसानी से स्क्रीन पर मीटर बनाकर डबल कलर में कोई भी स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।